जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में एक ऐसे वृक्ष के बारे में जानकारी दूंगा जो कि काफ़ी इमारती लकड़ियां इससे प्राप्त होती हैं और ये हमें आर्थिक रूप से वृद्धि प्रदान करते हैं। तो चलिए चलते हैं और इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। इस वृक्ष का नाम है महुआ और महुआ का बॉटनिकल नाम मधुका लॉन्गिफोलिया होता है। यह काफ़ी पुराना वृक्ष है। यह एक भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्ष होता है जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और जंगलों में काफ़ी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यह एक तेज़ी से बढ़ने वाली वृक्ष है जो लगभग 25 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये काफ़ी ऊँचा है और इसके पत्ते वर्ष भर हरे रहते हैं। यह पादपों के सपोटेसी फैमिली से संबंधित है। यह शुष्क पर्यावरण के अनुकूल ढल जाता है। यह मध्य भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक प्रमुख पेड़ है। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो 5-7 अंगुली चौड़ी और 10-12 अंगुली लंबी और दोनों सिराओं पर यह नुकीली होती हैं। पत्तियों का ऊपरी भाग हल्के रंग का और पीठ भूरे रंग का होता है। यह हिमालय की तराई तथा पंजाब के अतिरिक्त सारे उत्तरी भारत तथा दक्षिणी में जंगलों में पाए जाते हैं। आप जो ये बगीचा देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पेड़ हैं और इस समय आज का टॉपिक है बस महुआ का पेड़ पे ब्लॉग बनाना है। बस आज के टॉपिक में बस महुए के ऊपर ही ब्लॉग बनाया जाएगा। तो चलिए और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। इसके फूल, फल, बीज, लकड़ी सभी चीज़ें काम में आती हैं। इसका पेड़ 20-25 वर्ष में फूलना और फलने लगता है और सैकड़ों वर्षों तक फलता फूलता है। अब इसके फूल के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी पत्तियां फूलने के पहले हिंदी महीने में जो फागुन चैत होता है उस समय झड़ जाती हैं। पत्तियों के झड़ने पर इसकी डालियों के सिरों पर कलियों के गुच्छे निकलने आते हैं जो कुर्सी के आकार के होते हैं। इसे महुए का कुचियाना भी कहते हैं। अब चलिए और इसके फल के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका फल परवल के आकार का होता है और कलेंदी कहलाता है। इसे छीलकर, उबालकर और बीज निकालकर इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और इससे तेल भी निकाला जाता है जो कि काफ़ी अच्छा तेल होता है। महुए के जो बीज होते हैं वो अधिक उसमें फैट पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल मक्खन बनाने के लिए भी किया जाता है। देख सकते हैं ये पेड़ काफ़ी ऊंचा है और ये काफ़ी पुराना वृक्ष है। अब बात करते हैं कि महुए के पेड़ का क्या क्या उपयोग में लिया जाता है। तो महुए का फूल, फल, बीज, छाल, पत्ती सभी का आयुर्वेद में अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे कि महुए के बीज से तेल निकालने के बाद वह खली के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है, बायोडीजल या एथेनॉल के रूप में, और महुए से जैम बनाया जा सकता है और महुए के ताजे और सूखे फल से महुअरी मतलब कि महुए की रोटी बनाई जाती है जो कि अत्यंत स्वादिष्ट होती है। और महुए की लकड़ी से काफ़ी मजबूत फर्नीचर बनाए जाते हैं जैसे कुर्सी, टेबल, मेज आदि चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा ब्लॉग। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।